अलीराजपुर में गुरुवार को स्थानीय नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सेना महेश पटेल, उपाध्यक्ष साविर बाबा और समस्त पार्षदों का शपथ विधि कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष सेना पटेल को नपा सीएमओ अमरदास सेनानी ने हस्ताक्षर कर अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया एवं मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, क्षेत्रीय विधायक मुकेश पटेल, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश पटेल, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम सेन, चुनाव प्रभारी हेमंत पाल, कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर सहित विभिन्न समाज के प्रमुख जन, संत गुरु और कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद में आयोजित शपथ विधि कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित पार्षदों का स्वागत नगर पालिका सीएमओ अमरदास सेनानी एवं नगर पालिका स्टाफ ने किया। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पटेल ने बताया कि नगर की जनता ने हम पर विश्वास किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। नगर के सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास कार्य किए जाएंगे। नगर को स्वच्छता में नंबर एक और सुंदर बनाया जाएगा। सभी पार्षदों को विश्वास में लेकर नगर के विकास की इबारत लिखी जाएगी। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। कार्यक्रम को पूर्व केंद्रीय मंत्री भूरिया, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, विधायक मुकेश पटेल, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष साबिर बाबा। आप नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुए हैं, नगर विकास को लेकर आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी और किस तरह से कार्य योजना बनाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तलराजपुर की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि उन्होंने हमारी परिषद बनाई यहाँ पर, और भाई महेश पटेल ने जो ताकत दिखाई उसके आधार पर मुझे उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं पटेल परिवार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक शहर की साफ सफाई और पानी की व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, कुछ नालियाँ वगैरह है जो डिस्टर्ब हुई हुई है, वो हमारी नज़र है और पहली प्राथमिकता से हम उस काम को अंजाम देंगे। हमारा फोकस सबसे पहले उसी पर रहेगा और कुछ जटिल समस्या हैं जिसको थोड़ा मैं सोच रहा हूँ उसमें कुछ सरलीकरण लाएंगे हम। जैसे मान लीजिए कि आपका नामांतरण वाला मामला होता है, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, लोग परेशान होते हैं। नोटिस वाला मामला होता है, उसमें परेशानी होती है। अगर उस समय सवधि में अगर नहीं करते हैं हमारे के कर्मचारी, तो हम उनको ये दंड देंगे कि सीधा सीधा उनका जो है नोटिस और नामांतरण उनके घर तक पहुँचाए संबंधित जनता तक, ताकि उनको आसानी हो सके। अभी आपने मंच से कहा था कि खरीद फरोख्त के भी कुछ ब्लेम आपने लगाए हैं, इस तरह की भी कुछ बातें निकल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, राजनीति है, चला करता है, ट्राई उन्होंने की थी, कामयाब नहीं हुए। हमारे अपना पास परिषद पावरफुल थी, हमारे सभी पार्षद जो थे मजबूत थे, तो वो कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, उनका अपना ट्राई था, उन्होंने सोचा झाबुआ बना देंगे अलीराजपुर को, लेकिन अलीराजपुर उन्हें मालूम होना चाहिए कि झाबुआ से टूट के जिला अलीराजपुर बना है, इतनी जल्दी झाबुआ बनने नहीं देते, सो और नहीं हुआ, हमारी अपनी परिषद बनी। आज आपने पदभार ग्रहण किया है, नगर के विकास को लेकर आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? आज हमने पदभार ग्रहण किया है और इस पदभार ग्रहण में माननीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे बड़े भैया हनी बघेल जी, हमारे लाडले विधायक मुकेश पटेल जी, हम सब कांग्रेस के मार्गदर्शक और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हमारे महेश पटेल जी और सभी वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब नवनिर्वाचित पार्षदगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय और यहाँ की जनता। हमारा पहला कदम होगा इस नगर की जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहली प्राथमिकता पे लिया जाएगा। अभी कुछ 18 महीनों से हम इस परिषद में नहीं थे, इस नगर में जितना भी जो रायटा फैला हुआ है उसको सबसे पहले हम सही करेंगे। पूरे 18 वार्डों का काम हम पूरी तरह से पहले एजेंडे में लेंगे और जितनी भी नगर की समस्या है ये डोर टू डोर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको हम पूरी तरह से निपटाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो साजिशें थी, उन्होंने काम कम किया है, विनाश ज़्यादा किया है। नगर की जनता ने हम पर जो विश्वास किया है तो उस विश्वास के ऊपर हमें अब खरा उतरना है और नगर की जनता के लिए हमेशा साथ खड़ा रहना है, विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अगर मैं इसके पूर्व में भी आप अध्यक्ष रही हैं, कई समस्याएं व्याप्त हैं, उन समस्याओं को लेकर आपका क्या फोकस रहेगा, किस तरह से उन्हें दूर करेंगे? ये नगर पालिका सरकार जो होती है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है,
लेकिन हर समस्या का निदान करने के लिए मेरी पूरी परिषद है और मैं भी खड़ी हूँ। अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि परिषद मेरी है। अब जो हम चाहेंगे वैसा नगर विकास के लिए पूरा योगदान रहेगा। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और सभी मेरे सम्मान्य कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। जनता को धन्यवाद करना चाहूँगी। नगर की मातृशक्ति को धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मेरे मीडिया भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगी जिनके सहयोग से आज मुझे पुनः तीसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका मिला है और मैं इनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरूँगी। कोई काम में कमी पेशी बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं अधिकारियों के साथ मीटिंगें लूंगी, एजेंडे में सब जो मेन समस्या है उसको एजेंडे में रखूंगी और पहली प्राथमिकता जो अर्जेंट है उसे पहली प्राथमिकता पे मैं पूरा करूंगी।